नमस्कार दोस्तों, ये इंजन पानी पर चलते चलते बंद हो गया था और ये दोस्तों कुछ देर चलता था, इसके बाद में बंद हो जाता था अपने आप, फिर कुछ देर खड़ा रहता था, फिर चलाओ फिर चल जाता था। इसलिए दोस्तों रुक रुक चलने का कारण होता है डीजल की सप्लाई सही ना होना, इसलिए इसका सबसे पहले हम फिल्टर चेक करेंगे, क्योंकि जो साउंड चाहिए वो नाजुक से नहीं आ रहा था। चलने के बाद कुछ देर खड़ा रखो तब जाकर ये चलता था। देखिए अब फिल्टर इसका चोक हो गया है और इसमें कितनी मिट्टी और कीचड़ भरा हुआ आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना आधे से ज़्यादा इसमें कीचड़ भरा हुआ था। ये बुश का नया फिल्टर है, ये दोस्तों टॉप लाइन 5 HP का इंजन है। ये स्टार्ट हो जाता था कुछ देर खड़े रहने के बाद में, जो दोस्तों डीजल एकत्रित होता था उससे स्टार्ट हो जाता था, बस इसके बाद में ये बंद हो जाता था। ये है नया फिल्टर। इसको लगाएंगे, इसमें नीचे एक स्प्रिंग डाली जाती है, इसको सेट करने के टाइम में इसको बहुत सही तरीके से बांधा जाता है, नहीं फिर इसकी लीकेज नहीं ख़त्म होगी। और दोस्तों जो और दूसरे इंजन 8 HP और 6.5 HP के होते हैं उसमें फिल्टर ऊंचे से नट टाइट किया जाता है, इसमें नीचे से टाइट होता है। ये टंकी से जो फिल्टर को मेन पाइप आता है ये भी इसका चोक था। इसके दोस्तों जो दोनों पाइप होते हैं वो दोनों नए लगाए गए हैं, क्योंकि दोनों पाइप चोक थे इसके। ये टंकी से फिल्टर वाला है, और ये पंप से जो फिल्टर को आता है। और इसकी दोस्तों टंकी भी साफ कर लेना चाहिए, इसके बाद में डीजल डालते हैं। और पंप खुलने के बाद में इसमें एयर ज़रूर निकालनी पड़ती है, इसकी एयर निकालनी होगी,
क्योंकि प्लंजर से तेल अगर निकल जाता है पूरा, फिर एयर निकाले बिना फिर इंजन नहीं स्टार्ट होगा। इसमें 10 नंबर से नट खोला जाता है। अब इसको स्टार्ट करेंगे हम एयर निकाल कर। उतना का दबाव है के अंदर।